वेलकम टू सीनियर टॉकर्स। हेलो। आज हम प्ले करेंगे स्कूल मेमोरी सेगमेंट के लेंगे स्कूल मेमोरी। योर स्कूल नेम। स्कूल नेम आपका फैमिली था। घर का नाम अगर पूछ रहे हो तो घर का अलग है। मेरी स्कूल नेम। स्कूल नेम वाज फेनेलोफी। बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल। स्कूल में वैसे तो मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे। सोनम थी एक्चुअली मेरी जो स्कूल की एक फ्रेंड है, काफ़ी पुरानी फ्रेंड है, उनका नाम सोनम है। और जब मैं 10th में आई, मतलब एकदम पुरानी फ्रेंड तो नहीं कह सकते, पर मेरी दो ऐसी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक कभी कभार हमारी ऑन ऑफ बात हो जाती है। स्वाति और कीर्ति। ओके। फेवरेट लंच इन टिफिन। स्कूल में माँ के हाथ का आलू पराठा। क्लास के चलते वक्त आपने लंच खोल के खाए हो? हाँ, बिल्कुल खाया है। ओके। फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। मेरा मैथ्स। ओके। आप फर्स्ट बेंचर हो या बैक बेंचर हो? फर्स्ट। मैं क्लास मॉनिटर थी और मैं हमेशा टॉप 5 पे आती थी। मैंने ऐसा सुना है कि हमेशा बैक बेंचर की एक मेमोरी रहती है। आज आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट बेंचर की कुछ आपकी मेमोरी। फर्स्ट बेंचर की मेमोरी ये होती है कि बेसिकली आगे एक क्रेडिट तो मिल ही जाता है कि चलो आप होशियार हो, इसलिए आपको आगे बिठाया जाता है क्लासरूम में। अरे यार, तो हाँ, तो आई थिंक एक मेमोरी होती है कि आप टीचर्स फेवरेट होते हो और टीचर आपका एग्जाम्पल बाकी सबको देते हैं कि देखो इसके नोट्स देखो, इसका होमवर्क देखो। तो आई थिंक वो एक क्रेडिट जो लेने वाली चीज़ है वो याद है। ओके। कहीं ना कहीं आइसक्रीम भी जलते भी हैं कि ये कैसे मॉनिटर बन गई। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? नहीं, आई थिंक मेरे सबके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा ही था, तो कभी ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। आपका फेवरेट टीचर होगा इन स्कूल में? मेरी एक फेवरेट मैम थी, लाइक शी पास्ड अवे, शी इज नो मोर, इट्स बीन सो मेनी इयर्स, निलुफर मैम। परसेंट इन बोर्ड एग्जाम। परसेंटेज बोर्ड एग्जाम 10th में आई स्कोर्ड 84 और 85। फेवरेट स्पोर्ट इन स्कूल। स्कूल बैडमिंटन। फर्स्ट क्रश इन स्कूल। अरे यार मत करो ऐसे। नाम बोलना मुझे उसका। नाम तो नहीं बोल सकती मैं, बस इतना कहूँगी कि सीनियर थे। ओके चलेगा। बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट इन स्कूल। आपका जो बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ इन स्कूल में वो कैसा रहा? अच्छा था। आई थिंक जो स्कूल में जब हमारा बर्थडे होता था तो हमें कलरफुल ड्रेस में जाने के लिए कहते थे और सबको चॉकलेट्स बांटना वगैरह। फिर जो भी आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे या जो फेवरेट आपकी टीचर होती थी, वो कभी कैंपस बॉक्स या कुछ भी एजुकेशन मतलब बुक्स या कुछ भी ऐसा कुछ गिफ्ट, तो बस इस तरह से गिफ्ट्स जो मिलते रहते थे वो अच्छा लगता। थैंक यू सो मच।